आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं उसका नाम है सिंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी हम वैसे तो हम तीन तरीकों से फाइंड करना सीखेंगे इस कोर्स में, जिसमें से दो इस लेक्चर में हम सीखेंगे और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। एक है प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉइन्स, सिक्के की मदद से प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी यूजिंग डाइस, लोटो के दाने की मदद से हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीख जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। किसी भी चीज के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आज बारिश होने के 40% चांसेस हैं। ये जो 40% है इसको प्रोबेबिलिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को जिंदगी के दूसरे फील्ड्स में भी यूज किया जाता है। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो दो चीजों के ऊपर बेस कर रही होती है। एक का नाम सैंपल स्पेस है और दूसरे का नाम इवेंट स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या होता है? सैंपल स्पेस एक सेट है जिसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आते हैं। जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हो तो उसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स क्या होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा सेट थ्योरी के मुतालिक, ये तकरीबन उसका मिक्सचर है, उसके साथ ही काफी हद तक उससे मिलता है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही इसको हम कैपिटल एस की मदद से डिनोट करते हैं। इवेंट स्पेस क्या होता है? ऐसा सेट है जिसमें हमारे डिजायर्ड आउटकम आते हैं। डिजायर्ड आउटकम से मुराद कि आपका फोकस जिस इवेंट के ऊपर होगा वो आपका डिजायर्ड आउटकम होगा। लेट्स सपोज, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिए कॉइन की, अगर आपके पास पॉसिबल आउटकम्स में हेड और टेल आता है और आपका डिजायर आउटकम टेल है, तो इवेंट स्पेस में जस्ट टेल आएगी और सैंपल स्पेस में आपका हेड और टेल दोनों आएंगे। ये माइक किसका ऑन है? ये मरियम आरिफ। अपना माइक ऑफ कर लें। जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू
ना फेस है मुराद, हमारे इवेंट स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एन एफ ए के अंदर आएंगे, और एन एफ एस से मुराद हमारे सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं वो एन एफ एस में आएंगे। ठीक है, एन एफ ए से प्रॉबिलिटी या फेस से मुराद हम एक ही प्रॉबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, एक कोई भी हमारे पास एक इवेंट हो सकता है, एक सेट हो सकता है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसके बराबर होगी। हमारे पास सेट ए में या इवेंट स्पेस में हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो एन एफ ए की जगह पर आ जाएंगे, और एन एफ एस में हमारे पास जितने एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में हैं वो एन एफ एस में आ जाएंगे। इसकी हम एग्जांपल करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉइन्स करेंगे, कॉइन की मदद से हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है जब हमारे पास वन कॉइन हो, एक सिक्का हो, तो हम उससे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। जब हमारे पास एक सिक्का होगा, एक कॉइन होगा, उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा हमारी डिमांड है, ये हमारा फोकस जो आंसर है वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। ठीक है, इसके लिए आवाज का इशू बाकी लोगों के साथ भी है या सिर्फ इसके साथ है? चलें ठीक है, जिनकी आवाज़ नहीं आ रही वो अपना स्पीकर चेक कर लें और बाकी लोग लेक्चर की तरफ ध्यान दें। तो हमारा फोकस था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी, तो इसके लिए हमारे पास जो इवेंट स्पेस बना उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने इसका नाम टी रखा। टी इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेट को कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से शो किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू एन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। हमारे पास जो टी सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और एन ऑफ एस हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, हेड और टेल, तो एन एफ टी की जगह पर वन आ जाएगा, एन एफ एस की जगह पर
टू आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये था अगर आपके पास एक कॉइन हो। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड में क्या होगा, यहाँ पर लेट सपोज आप इसका नाम इवेंट स्पेस का नाम आप एच रख देते हो और यहाँ पर हेड होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू एन ऑफ एच डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। यहाँ पर एन ऑफ एच आपका 1 आएगा, एन ऑफ एस 2 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 0.5। इसके बाद है कि जब आपके पास 2 कॉइन्स हों तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उनकी मदद से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपने सैंपल स्पेस जनरेट करनी है, सैंपल स्पेस बनानी है। ठीक है, जब आपके पास 2 कॉइन होंगे तो उन 2 कॉइन्स को मिलाकर जो एक आउटपुट आएगी वो आपका एक इवेंट कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सैंपल स्पेस कैसी बनेगी, जब आपके पास 2 कॉइन्स होंगे, पहले कॉइन के ऊपर आपके पास लेट सपोज हेड आता है, दूसरे कॉइन के ऊपर भी हेड आता है, या पहले कॉइन के ऊपर हेड आता है और दूसरे कॉइन के ऊपर टेल आ रहा है, या पहले के ऊपर टेल आ रहा है और दूसरे के ऊपर हेड आ रहा है, या दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है। ठीक है, तो हमारी सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव हमारा इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनमें 1 टेल आए। इसका नाम मैंने टी रख दिया। इस ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट को मीट नहीं कर रहा, तो इस ये हमारा इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। जो सेकंड है इसके अंदर हमारे पास 1 टेल आ रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को मीट कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को मीट कर हमारे पास ये इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट को मीट कर रहा है, तो ये भी हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। ये फोर्थ वन फोर्थ वन में हमारे पास 2 टेल आ रहे हैं जबकि हमारे रिक्वायर्ड है 1 टेल की, तो ये हमारे इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू एन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हमारे पास 2 हैं,
एक ये एलिमेंट है और एक ये वाला एलिमेंट है। तो हमारे पास एन एफ टी दो हो गया, एन एफ एस हमारे पास एक दो तीन चार, एन एफ एस हमारे पास है फोर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.5। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड भी बोल सकते हो। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दो हेड आए, उस सूरत में हमारे पास जस्ट इवेंट स्पेस में ये वाला आउटकम आएगा जिसमें हमारे पास दो हेड हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस फोर, वन डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मैसेज में पूछ सकता है या वैसे अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमारे पास है थ्री कॉइन्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास जब जब हमारे पास थ्री कॉइन्स होंगे तो उसकी हमने सैंपल स्पेस जनरेट करनी है। वो सैंपल स्पेस कैसी होगी कि उसका जो पहला एलिमेंट है उसमें पहला हेड आए, दूसरा भी हेड आए और तीसरे कॉइन पे भी हेड आए। टू कॉइन्स में हमारे पास दो कॉइन्स के आउटकम मिलकर एक एक ऑब्जेक्ट बनाता था, एक आउटकम बनाती थी। दो आउटकम से उनका कॉम्बिनेशन एक आउटकम बना। यहाँ पर तीन कॉइन्स के आउटकम मिलकर हमारे पास एक आउटकम बन रहा है। तो पहले आउटकम में क्या होगा, पहला भी हेड, दूसरा भी हेड, तीसरे कॉइन पे भी हेड। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी हेड आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। क्लियर है सबको सैंपल स्पेस बन गई। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग वन टेल। ऐसे एलिमेंट्स हमारे इवेंट स्पेस में आएंगे जिनमें एक टेल है। इस एलिमेंट में हमारे पास आउटकम इस आउटकम में ये एलिमेंट में हमारे पास कोई भी टेल नहीं है, ये इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। इसके अंदर एक टेल है, ये हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इस एलिमेंट में हमारे पास एक टेल है, ये भी आ जाएगा। इस आउटकम में हमारे पास दो टेल हैं तो ये इवेंट स्पेस में नहीं
नहीं आएगा। इस आउटकम में एक टेल है, ये हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इसमें दो टेल हैं, ये नहीं आएगा। इसमें भी दो हैं, ये भी नहीं आएगा। इसमें तीन हैं, ये भी नहीं आएगा। क्लियर है? इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू एन एफ टी डिवाइडेड बाय एन एफ एस। इस सिचुएशन में हमारे पास टी के अंदर तीन एलिमेंट हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। एन एफ टी हमारे पास थ्री है, एन एफ एस हमारे पास एट एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जब हम 3 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास 0.375 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल भी चेक कर सकते हो, थ्री टेल भी चेक कर सकते हो। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर गेटिंग टू टेल होता तो हमारे इवेंट स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आने थे, ये भी नहीं था ना, ये भी नहीं था ना, ये भी नहीं आना। ये टू टेल, एक ये आना था, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एन एफ टी हमारे पास कितना आएगा, 3। एन एफ एस हमारे पास 8। टी हमारे पास एक ऐसा इवेंट स्पेस है जिसमें 1 टेल आए। इस आउटकम में हमारे पास कोई भी टेल नहीं आ रही, ये इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। इसमें एक टेल आ रही है, ये हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इसमें भी एक टेल आ रही है, ये भी हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इसमें 2 टेल्स आ रही हैं, ये इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। इसमें एक टेल आ रही है, ये हमारा इवेंट स्पेस में आ जाएगा। इसमें 2 टेल्स आ रही हैं, ये हमारा इवेंट स्पेस में नहीं आएगा। ये भी 2 टेल्स वाला है, इसमें भी, ये भी हमारा इवेंट स्पेस में नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। एन एफ टी हमारे पास क्या आया, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय एन एफ एस 8। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो अपने फेलो से कंसल्ट कर ले या नेक्स्ट लेक्चर में देख ले। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर, अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी हो 3 टेल्स की, तो फिर तो हमारे पास 1/8 करके आंसर आएगा ना? जी, अगर हमने 3 टेल्स की करनी है तो इवेंट स्पेस में जस्ट एक एलिमेंट आएगा, ये वाला। जी,
तो 1/8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर देते हैं। सर एक दफा ओवरव्यू दे दें काइंडली। आपका जो क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो। ओवरव्यू में तो अभी 36 मिनट का हो चुका है लेक्चर, तो मैं 36 मिनट दोबारा रिपीट करूंगा क्या? फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्वेश्चन था कि एन एफ एस में 8 कैसे आया। एन एफ एस में हमारे पास एक 8 एलिमेंट्स हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो एन एफ एस में हमारे पास 8 आ जाएगा। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो सर। अभी इस लेक्चर का 1 मिनट रह गया, इसके बाद दोबारा लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा, इसी के बाद 20 मिनट का दोबारा लेक्चर होगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग 1 मिनट रह गया तकरीबन, तो उसमें दोबारा मिलते हैं।